नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट मोर देन 10 ईयर। तो आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्या एक सिंगल ट्यूब से भी आप कंसीव कर सकते हैं। यस, हमें ऐसी बहुत सारी इंक्वायरीज मिलती हैं जिसमें ज्यादातर पेशेंट पूछते हैं कि मैम, मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, मेरी एक ट्यूब सर्जरी के दौरान निकल चुकी और अब मेरे पास सिर्फ एक ट्यूब है, तो क्या मैं एक ट्यूब से कंसीव कर सकती हूँ। दूसरे ऐसे केसेस में जन्मजात जिनको एक ही फैलोपियन ट्यूब रहती है, काफी पेशेंट को यूनिकॉर्नेट यूट्रस होता है जिसमें एक तरफ का यूट्रस का गर्भाशय का भाग डेवलप नहीं हो पाता और एक तरफ का ही गर्भाशय के पार्ट होते हैं और उनके पास जन्मजात यानी कि सिंस बर्थ एक ही फैलोपियन ट्यूब होती है। तो ऐसे लोग भी ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो हाँ, आज इस वीडियो में हम इसके बारे में जितनी भी हमारी डॉक्यूमेंटेड नॉलेज है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन सारी चीजों में आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं कि फैलोपियन ट्यूब का रोल क्या होता है, कैसे इनसे कंसेप्शन प्रेगनेंसी पॉसिबल। जो हमारी फैलोपियन ट्यूब है जो कि लगभग 9 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है और कुछ मिलीमीटर ही इसकी चौड़ाई होती है, जिसका एक सिरा गर्भाशय से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा ओवरी से जुड़ा होता है। जब ओवरी में एग आपका मैच्योर हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है, चाहे वो एक एग हो, कुछ केसेस में दो एग भी, और तो वो एग आपके फिम्ब्रिल एंड से, फैलोपियन ट्यूब के फिम्ब्रिल एंड से, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है और बार बार अपना ऑक्टोपस फेस ओपन करती है और खोलती है, उसके इंप्रेशन से वो एग रिलीज होकर ट्यूब पिकअप कर लेती है और ट्यूब में वो एग आ जाता है। जब वो एग ट्यूब में आ जाता है रिलीज होकर, तो हम उसको बोलते हैं महिला के ओव्यूलेशन डेज। तो ओव्यूलेशन डेज में जब महिला पुरुष पार्टनर के साथ संबंध रखती है और स्पर्म ट्रेवल होकर इसी ट्यूब में आ जाता है, तो वहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो इस ट्यूब में आपकी फर्टिलाइजेशन, आपका भ्रूण, आपका बच्चा कम से कम 3 से 4 दिन तक स्टे करता है और उसके बाद फैलोपियन ट्यूब में ही कुछ ऐसी मसल्स कॉन्ट्रेक्शन होती हैं और रेशे होते हैं जो कि इस भ्रूण को, इस प्रेगनेंसी को और आपके बच्चे को धकेल कर वापस इम्प्लांट करते हैं यूट्रस में, गर्भाशय की सतह पर। अब ये तो हो गया इसका रोल। अब किसी वजह से अगर फैलोपियन ट्यूब एक ना हो या एक ही हो, तो उसमें प्रेगनेंसी पॉसिबल तभी हो सकती है जब आपकी वो एक फैलोपियन ट्यूब फंक्शनल हो और आपकी ब्लॉक ना हो। अगर वो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होती है किसी भी सीरीज से, तो प्रेगनेंसी फिर से फैलोपियन ट्यूब में ठहर सकती है या फिर कंसीव ही ना हो, क्योंकि वो अगर फिम्ब्रिल एंड पे, यानी कि जो मैंने बताया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि अपने कॉन्ट्रेक्शन से, ऑक्टोपस फेस से एग को रिलीज करवाता है और अंदर ट्यूब तक पहुंचाता है, उसके नॉर्मल चौड़ाई वाले हिस्से तक पहुंचाता है, अगर वो वहां पे ब्लॉक होती है फिम्ब्रिल एंड पे, तो भी महिला का एग नहीं आ पाता, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। अगर वो आपकी एक ट्यूब कंप्लीटली फंक्शनल और आपकी वर्किंग है, कोई ब्लॉकेज नहीं है, अंदर और बाहर भी पेल्विक एडहेशंस नहीं है, सो डेफिनेटली एक फैलोपियन ट्यूब से कंसेप्शन पॉसिबल है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर आपकी सर्जरी के दौरान एक फैलोपियन ट्यूब निकल गई है या फिर आपको ओवरीज तो है और बट आपकी ट्यूब नहीं है फैलोपियन ट्यूब, तो अब आपका उसी तरफ आपका हर बार ओवुलेशन हो रहा है जिस तरफ की आपकी ट्यूब निकल गई है, तो आपको कंसेप्शन नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है। अब बहुत सारे स्टडीज ऐसी मिली हैं कि अगर आपकी ओवुलेशन इस ओवरी में हो या इस ओवरी में, और एक ही तरफ की ट्यूब आपकी ओपन है या एक ही तरफ की ट्यूब आपकी फंक्शनल है और सिंगल ट्यूब है, तो भी आपका एग जो है वो ट्यूब दूसरी तरफ की ओवरी से पिक कर सकती है, उसकी जो स्टिमुलेशन है उसको वहां पे ला सकती है। बस उसमें ओवरी होनी बहुत जरूरी होती है। जिन केसेस में ट्यूबो ओवेरियन सिस्ट की वजह से ओवरी ओवरेक्टमी भी हो चुकी होती है और ट्यूब्स भी निकल चुकी होती है, तो उन केसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। उन केसेस में उसी तरफ की ओवरी से जब एग रिलीज होता है, तो ही सिंगल ट्यूब के साथ कंसेप्शन पॉसिबल है। तो हाँ, एक सिंगल ट्यूब के साथ आप बहुत अच्छे से कंसीव कर सकते हैं। कुछ केसेस में कोई भी इन्फेक्शन, जैसे कि कैलमिटी इन्फेक्शन हो गया या फिर आपको टीबी का इन्फेक्शन हो गया, बार बार पीआईडी होने की वजह से भी कोई भी इन्फेक्शन आपकी ट्यूब्स में है, ट्यूब्स तो पेटेंट है, ट्यूब्स तो फुली ओपन है, उसमें स्पिल भी पूरा जा रहा है, बट वो इन्फेक्शन आपकी ट्यूब में है,
तो वो ट्यूब फंक्शनल नहीं रह पाती और तब सिंगल ट्यूब से जो कंसेप्शन है वो पॉसिबल नहीं होता। तो मेक श्योर एक अल्ट्रासाउंड के जरिए आपने अपनी सिंगल ट्यूब का स्टेटस क्या है वो पता लगाएं। ट्यूब में आप एमआरआई के थ्रू भी रिवील हो सकता है कि ट्यूब में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अदरवाइज अगर आपको एक ही ट्यूब है और वो अंदर और बाहर से बिना किसी पेल्विक एडेंशन के, बिना किसी इन्फेक्शन के फुल्ली ओपन है, फंक्शनल है, ओवरी स्टिमुलेशन अच्छा है, तो डेफिनेटली आप एक ट्यूब से नेचुरल कंसीव कर सकते हैं। धन्यवाद।